check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक द स्टोरी विद द बॉय ऑन द टॉपिक. हाय गाइस, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली. जैसा कि मैं हमेशा से प्रे करता आ रहा हूँ, इस बार मैं यही बोलूँगा, भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स डाले. गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय द शो. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show, जिसका नाम है My Topicless Jabri. So guys, thank you so much for listening to my show. पुराने जितने भी shows थे आपने सुने, बहुत पसंद किया, and you're giving so much love to all those episodes. Thank you, thank you, thank you so much. And let's hope और अच्छे-अच्छे ऐसे, you know, आपके इस तरफ में और आपकी तरफ और ऐसी stories आपको लेता हूँ और आपको देता जाऊँ, है ना? So guys, शो शुरू करने से पहले, एज आई टोल्ड यू, मेरा मकसद क्या है पॉडकास्ट करने का. मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही होता है, जितने भी वहाँ पे जो यू नो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं, वो कुछ यू नो पॉजिटिव हो जाएं और कुछ है ना लाइफ में कुछ काम करना शुरू कर दें मेरा पॉडकास्ट सुनते. तो क्या पता आप भी ऐसा मेरी तरह पॉडकास्ट करना शुरू कर दो, है ना? स्प्रेड हैप्पीनेस और क्या. सो गाइस, आज एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, यू नो मैं उनके बारे में क्या बताऊं. ही इज वन ऑफ द पर्सनालिटी जो यू नो जिनके बारे में मैं बोलता चला जाऊं वो बहुत कम रहेगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं. वो एक हैप्पीनेस कोच है, ही इज अ सिंगर, ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, गुडविल एम्बेसडर, एंड ही इज अ रिकॉर्ड होल्डर ऑल्सो. वो भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल एज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है. अगर कुछ कम रह गए तो मेरे को वो बता देंगे इसके बाद, मेरी बात खत्म होने के बाद. तो गाइस, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, इनका नाम है डॉक्टर साई कौस्तव दासगुप्ता. एंड आपने इनको काफ़ी यू नो सोशल मीडिया पे इनके बारे में पढ़ा भी होगा, और यू नो काफ़ी ये क्रिएटिव पर्सनालिटी है, तो मुझे लगता है शायद आपने भी सुना ही होगा इनके बारे में. मैंने तो बहुत सुना भाई, है ना? तो चलिए इनसे बात करते हैं सीधा, इनसे ही इनको बुला कर. ओके, सो हाय साई, कैसे हैं आप? हाय पुलकित, आई एम डूइंग सो ग्रेट एंड ग्रेट टू बी इन योर शो, फीलिंग प्रिविलेज्ड, फीलिंग ऑनर्ड, एंड माय लव एंड रिगार्ड्स टू एवरीवन हु इज वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी. बहुत अच्छा लग रहा है, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. और कैसा चल रहा है आजकल आपका एवरीथिंग? या समर स्टार्टिंग, सो स्वेटिंग. Okay. And as usual, doing good, balancing my creative life, my professional life, my happy life, and all together. Okay. Yeah, just bindas, living your life fullest, hai na? Absolutely. Okay. So Sai, as you know, mera jo show hai, main aapse yahan pe show pe kuch question puchunga. Aap mujhe please allow kare, hai na? Absolutely. Please go ahead. ओके सो मैं आप क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ. तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज इस एपिसोड को सुनिएगा और इसको शेयर जोरों से करिएगा, जैसे मेरे और एपिसोड भी आप सुनते आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए साई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, यू नो बीइंग, पहली बात तो ये, सबसे पहले आप कैसे हो, लाइक हाउ आर यू, एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ थी इन दो सालों में कैसी रही, वो बताओ. अब बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, एंड नाउअडेज मेंटल हेल्थ इज लाइक ए वेरी ट्रेंडिंग वर्ड, एवरीवन इज वेरी कॉन्सर्न अबाउट इट. तो मुझे लगता है वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी बन गया मेंटल हेल्थ. एंड ये दो साल फॉर मी नथिंग सो स्पेशल, क्योंकि मैं पहले से ही कॉन्फाइन था और मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाता था बिकॉज ऑफ माई क्रिटिकल रेयर डिजीज, जो मेरा एक्सेसरी है. तो उसके वजह से आई ऑलवेज बीन सो प्रोटेक्टिव माई सेल्फ. एंड दो साल में चेंजेस ये हुआ कि आई सॉ द कोविड केम इन आवर लाइफ, चेंज्ड एवरीथिंग, बट ऑल्सो ब्रॉट सम गुडनेस कि फैमिली टुगेदर, अपने स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस, एंड यू नो बीन प्रोटेक्टिव टू योर यू नो मतलब मास्क पहनना, 5 बार करके हाथ धोना,
being so protective towards your health, ये सब हुआ and I am really sorry कि जो लोग चले गए हमें छोड़ के कोविड के टाइम and so many people got depression because of lockdown, जिनका mental health काफी down हो गया because of 2 year incident or the what I can say the saga of 2 incidents, the COVID. 2 years अभी तक पूरा गया नहीं but now the things become more natural. कोविड सुन क्या अच्छा ठीक है कोविड है जाओ टेस्ट कराओ घर पे रहो 14 डेज एंड हो जाएगा ठीक. बट फॉर मी स्पेशली आई वुड लाइक टू शेयर पुलकित की जो बंदा दो हाथ एक साथ करके यू नो आई कांट वॉश माई हैंड एक साथ नहीं होता है सैनिटाइज भी यूज नहीं कर सकता हो. फॉर मी इट वॉज अ वेरी आई ओपनर की हाउ अबाउट दिस पीपल लाइक अस जो लोग you know the champions in wheelchair or in any condition unke liye kya situation hoga unka mental health and unka physical health what made them to accept covid situation it is very difficult Pulkit. So isliye maine kya kiya na is 2 saal mein jitna ho sake positive post positive article mera quotation mera live aana ye sab maine chalu kiya zyada zyada क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट था. आपका मेंटल हेल्थ तभी सही रहता है जब आप अलाउ करते हो अपने आप को मोटिवेट करना. तो जैसा आपका शो है आपका शो देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं बट इट डजंट कंटिन्यू सम टाइम क्योंकि पीपल अपने आप को मोटिवेट करना नहीं चाहते. तो मुझे लगा कि दिस काइंड ऑफ शो आप जो करते हो और भी ज्यादा आना चाहिए सो दैट जब लोग थोड़ा भी डाउन हो जाए उनका बैटरी चार्ज थोड़ा डाउन हो जाए डिस्चार्ज हो जाए फिर से वो लोग मोटिवेट हो जाए एक्सेप्ट कर ले अपने मेंटल हेल्थ को जो भी है और अपने आप को आगे बढ़ाए वो घर पे बैठ के हो बाहर जाके हो कुछ भी करके हो. वी नीड टू मूव ऑन दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस 2 years वी हैव टू मूव ऑन. एब्सोल्युटली. तो साई ने पूरी लाख पते की बात एक बता दी है हमें कि हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में यू नो अपने आप को पुश करना है एंड पास्ट में नहीं रहना है ना फ्यूचर में जाना है पास्ट में नहीं रहना फ्यूचर में चलना है मतलब प्रेजेंट जीना है और फ्यूचर को एक पॉजिटिव वे में देखना है ना साईं. एब्सोल्युटली. तो साईं आपने सारा बता दिया कि आपको क्या डिफिकल्टीज हुई आपका मेंटल हेल्थ इन 2 सालों में कैसा रहा आपने सारा बता दिया. मेरा सेकेंड क्वेश्चन आपसे है साई मैं आपके बारे में पढ़ा भी था कि आपकी यू नो यू आर 90% है ना फिजिकली आप एक डिसेबल्ड हैं अगर मैं वर्ड यूज करूँ पर्सन विद डिसेबल हैं आप आपके बोन फ्रैक्चर बहुत होती है ड्यू टू आपकी जो डिजीज है रेयर डिजीज के चक्कर में जो आपकी बहुत बोन बहुत ज्यादा यू नो फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है यार. डू यू फील मेंटली स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस एंड अगर आप फील करते हो ये सब चीजें तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम जस्ट लाइक आई एम आपको अभी देख रहा हूँ यू आर फीलिंग वेरी काम यू नो आप बिल्कुल आप ऐसा फील नहीं और आपके फेस पे एंड यू सच अ हैप्पी फेस मतलब इतना पेन आपकी बॉडी में है और इतना पेन सहते हैं ब्रो हाउ आर यू डीलिंग ऑल दिस थिंग व्हाट इज द एक्स फैक्टर राइट. एब्सोल्युटली. That is the secret of Sai's smile. मतलब मुझे जो लोग देखते हैं ना उनके उनके फर्स्ट क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है कि ये क्या चक्कर है मुस्कुरा क्यों रहा है बंदा मतलब इतने सारे फ्रैक्चर यू नो मोर देन 50 मुझे तो पता ही नहीं कितना हुआ है 50 के बाद तो मैंने काउंट भी नहीं किया. होता है बहुत सारा होगा बहुत मतलब आई डोंट नो इट्स काउंटलेस. और इतने सारे साल मैंने घर पे बिताया 6 साल टोटली लॉक्ड आउट लॉक्ड इन इनसाइड अ रूम 2009 to 2015. सो आई बिलीव कि ऐसा नहीं कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ ऐसा नहीं कि मैं मतलब एलियन हूँ. आप मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ. आई ऑल्सो हैड माई डिप्रेशन आई ऑल्सो यूज टू क्राई आई ऑल्सो हैड अ वेरी लो mental health but uske bawajood how today's version of Sai has come
जो बहुत एक बड़ा स्टोरी है, बट इफ आई कट डाउन शॉर्ट, इट इज लाइक नॉट अ वन डे थिंग दैट साई हैज कम ऑल द वे एंड आज मुस्कुरा है. आई एम ए हैप्पीनेस कोच टुडे. आई गॉट टू नो कि क्या वैल्यू है स्माइल का. एंड सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे फ्रैक्चर, इतने सारे सफरिंग, उसके बाद काम डाउन रहना, जो पुलकित ने भी बताया, इट्स वेरी चैलेंजिंग. पर मुझे वो करके दिखाना था कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो बंदे व्हीलचेयर में बैठते हैं, जो मतलब सो कॉल्ड डिजेबल है, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद द वर्ड डिजेबल, आई फील स्पेशली एबल्ड, बट पुलकित वॉज राइट, इट्स अ सोशली वी आर डिजेबल, वी आर PWD, पर्सन विद डिजेबिलिटी. तो हमें और भी डाउन रहना चाहिए. दैट्स व्हाट पीपल बिलीव, कि हमें और भी कंप्लेन करना चाहिए, हमें घर के कोने में रहना चाहिए, वी शुड नॉट बी अलाउड इन अ पब्लिक गैदरिंग, हमें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो एक एबल आदमी के लिए बना है. सो आई वॉन्टेड दैट टू चेंज, कि ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, भी रहकर भी हम लोग सिंपैथी सिर्फ ले, सिर्फ सेवा ले. हमें ऐसा क्यों लगता है कि यू नो वी आर नॉट हेयर टू सेलिब्रेट अवर लाइफ, वी आर नॉट हेयर टू बिकम ए सेलिब्रिटी और ए बिग स्टार. हमें भी वो सपना है, हम भी कुछ करना चाहते हैं. सो दैट वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, कि मुझे वो माइंड सेट को चेंज करना था. इसलिए बहुत तकलीफ रहते हुए भी फाइनली आई केम एन आउट टू बी हैप्पीनेस कोच. मैंने मुस्कुराना सीखा. आई ऑलवेज बिलीव दिस इज द वेरी सिग्नेचर ऑफ माई लाइफ. एंड ये मुस्कुराना, ये जो स्माइल है ना, ये चेंज कर लिया मुझे पूरा लाइफ को. सो इट ब्रिंग, ये ब्रॉट ए मिराकल इन माई लाइफ. एंड अभी वो मुस्कुरा देख के बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ. स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद, व्हेन ए पर्सन इन ए व्हीलचेयर इज कमिंग इनटू ए स्टेज, यू नो आई हैव गिवन टू थाउजेंड्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीचेस. सो जब मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ, पीपल एक्सपेक्ट ए पर्सन इन कमिंग इन ए व्हीलचेयर, कुछ प्रॉब्लम होगा, उनका फेस नीचे होगा, बट ऑपोजिट होता है. मैं फेस ऊपर करके स्माइल करके आता हूँ एंड दे स्टैंड एंड this give standing applause. So wo change maine kiya hai, and that's what happened because I wanted to happen, I wanted it to be happen. So aap kuch bhi kar sakte ho life mein agar aap karna chahte ho. Bilkul. Because maine aapko bahut dekha hai, you know, aap hamesha smiling face aapka hamesha rehta hai, aap hamesha, you know, aap kuch even social media pe kuch post bhi karte hain, bahut positive aap hamesha post dalte hain. मैंने आपको बहुत इस बारे में बहुत, यू नो, मैंने आपका बहुत पोस्ट वगैरह चेक करी है, एंड आपकी एक पॉइंट बहुत मुझे टच कर गई, जो मैं शायद, यू नो, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और बीइंग अ व्हीलचेयर गाय, आई अग्री दैट हमको भी इस, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें भी वो सारी चीजें करनी है जो एक नॉर्मल एबल पर्सन करता है. इफ अ पर्सन ऑन डिसेबल और is a person with disability, a guy want to, you know, अगर वो चाहता है कि उसका नाम लोग सुने, वो जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए. अगर वो चाहता है वो celebrity की तरह, अगर वो treatment चाहिए, क्यों नहीं. अगर हम, you know, अगर हम किसी restaurant में जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं एक normal person की तरह treatment मिलनी चाहिए. अगर हम किसी, you know, cinema hall में जा रहे हैं तो हमें क्यों एक अलग सा समझा जाता है. वन ऑफ माई फ्रेंड, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, काव्या, है ना, यू हर्ड, उन्होंने अभी एक इतना लंबा चिट्ठा डाला था अबाउट, यू नो, कैसे उनके साथ वो एक घटना हुई थी कि उनको, यू नो, उनको नॉर्मल चेयर जो एबल लोग बैठते हैं उसी पे बैठना पड़ा, दादर देन वो अपनी व्हील चेयर भी नहीं बैठ सकती, अगर बैठना है तो एक कोने में बैठना है, वो भी डोर के पास. तो ये ऐसी चीजें हैं जो शायद मेरे को लगता है कि हमको बहुत चेंज करनी है लोगों की माइंड से, कि क्यों नहीं, वी आर जस्ट नॉर्मल लाइक देम. ओके, वी डू हैव अ प्रॉब्लम, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आई नो, हम शायद एक प्रॉब्लम का एक पैकेज हैं, बट गाइस प्लीज, वी आर ह्यूमन आल्सो, आई थिंक, क्यों साईं. एब्सोल्युटली, मतलब पुलकित, ये एक माइंडसेट है
जो बराबर से चलती आ रही है, सदियों से चलते आ रहे कि डिफरेंटली एबल पीपल आर लिटिल बिट बैकवर्ड इन सोसाइटी, क्योंकि हम लोग कर नहीं सकते. बट किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो हम लोग जो नहीं कर सकते उसको साइड रखे, हम लोग जो क्या कर सकते उसको हाईलाइट करें. अभी आजकल के यू नो दिस डिसेबिलिटी ग्रुप्स, मेंटल हेल्थ एसोसिएशन, ये सब में बहुत सारे लोग बोलते बहुत कुछ है. यू नो यू शुड सी दैट लॉट ऑफ स्पीकर्स आर कमिंग, बट कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं ये माइंडसेट को कैरी करना. सो इसलिए ये काव्या वाला इंसिडेंट एंड लॉट ऑफ अदर इंसिडेंट इन कोलकाता, देयर इज ए यू नो वन ऑफ द लेडी इन व्हीलचेयर अलाउड नहीं किया उनको रेस्टोरेंट में बैठने का. मतलब इट इज ऑल अबाउट पीपल आर नॉट गोइंग ऑन, दे आर नॉट मूविंग ऑन, वो एक ही जगह फुल स्टॉप करके बैठे हैं. एंड आई थिंक आपने जो बात कहा था कि काम डाउन रहना है, काम डाउन रह के ही फाइट करना है. इफ वी आर पॉजिटिव, इफ वी नो कि वी आर राइट, वी हैव टू गिव देम लॉजिक. और डिसेबिलिटी राइट में ऐसा कभी नहीं लिखा गया कि आप सोसाइटी के बाहर हो, दे हैव गिवन इक्वल राइट. मतलब लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट राइट मिल रहा है, लड़कों को मिल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं, क्यों नहीं? सो दैट्स ऑल अबाउट वी हैव टू कम डाउन एंड बी वोकल स्ट्रेट फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली. हां जी, कैसा लग रहा है शो, पसंद आया? तो गाइस ये था मेरा पार्ट वन, एंड पार्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में. प्लीज सुनिएगा जरूर.